तालियों की गड़गड़ाहट आपके साथ। निश्चित ही बड़ा मैच, बड़ी मुकाम। जो दर्शक अभी तक नहीं पहुंचे हैं उन्हें बता दूं, अभी जो मैच खेला जा रहा है नरहरपुर वर्सेस सराडुला, आज का सराडुला डेफिनेटली इसमें जो भी टीम विजय होगी। हेलो, अभी मैच खेला जा रहा है हरडुला वर्सेस नरहरपुर, आज का प्रथम मैच। टास की प्रक्रिया होता हुआ इस समय और टास के लिए पहुंच चुकी है दोनों टीम। हरडुला यहां पर टास जीतकर कोर्ट का निर्णय लिया है। निश्चित ही जब भी पहला हाफ समाप्त होगी, सेकेंड हाफ शुरू होने से होते ही पहला रेड हरडुला की तरफ से नरहरपुर के मैदान पर। हाँ, आप माफी अनुभव दायित्व इस समय और चल कबड्डी, दौड़ कबड्डी, भाग कबड्डी लीजिए शुरू। तीन नंबर की जर्सी साथ हरडुला के मैदान पर रेडर डालते हुए नरहरपुर टीम के रेडर, और निश्चित ही 7 मिनट का यह मैच और एमपी रेड के साथ वापस होता हुआ 12 नंबर की जर्सी साथ स्टार रेडर हरडुला की तरफ से। हमने कल भी इस रेडर्स के काफी पॉइंट्स देखे थे, क्या इस बार भी अपने टीम के लिए पॉइंट लेकर आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। निश्चित ही रोमांचक पूर्ण और कड़ा संघर्ष, क्योंकि जो भी टीमें हारेगी इस राउंड से बाहर होगी। और 10 नंबर की जर्सी के साथ रेडर्स इस समय रेडिंग का दायित्व लेकर आए हैं हरडुला के मैदान पर, और यहाँ पर गलत जजमेंट, 2 पॉइंट हो सकता है और 2 पॉइंट और रेडर से। और इस बार 10 नंबर की जर्सी सा रेडिंग करते हुए रेडर, और इस बार भी एपी रेड। अब इस मैच के तुरंत पश्चात आखिरी हरा वर्ष जय बुढ़ादेव परिवार, आप लोग तैयार रहिएगा। आखिरी हरा वर्ष जय बुढ़ादेव परिवार, उसके तुरंत पश्चात पहला पारी वर्ष चपेली। हाँ, यहाँ पर सेल्फ आउट एक 1 टच पॉइंट 2 पॉइंट नरहरपुर, अब तक शायद हरडुला का खाता भी नहीं खोल पाया था। डेफिनेटली समय 17 नंबर के जर्सी के साथ रेड डालते हुए दबाव जरूर होगी, क्योंकि उसके 3 टच पॉइंट का दावा और सफालिसी के साथ खाता खुला हरडुला का। 5 नंबर की जर्सी के साथ रेडर नरहरपुर की तरफ से रेड डालते हुए निश्चित यहां पर रनिंग हैंड टच करने का कोशिश आजमाए, फंस सके। बेहतरीन टैकल, इस बार पूरी 4 की डिफेंस में घिर गए रेडर। और 12 नंबर की जर्सी का स्टार रेडर हरडुला की तरह से रेडिंग का दायित्व इस समय 5 की डिफेंस में। यहां पर टच पॉइंट से ही पॉइंट मिल सकता है, अन्यत्र नहीं मिलेगा। क्या पॉइंट निकाल पाएगी 12 नंबर की जर्सी के साथ, और उछल कूद करते हुए इस समय नरहरपुर के मैदान पर टच पॉइंट का दावा है और यहां स्वीकारा गया रनिंग हैंड टच। इसके साथ टेक्निकल पॉइंट। हाँ, सभी खिलाड़ी ध्यान रखिएगा, टेक्निकल पॉइंट। यहाँ पर 2 पॉइंट मिला हरडुला को, स्कोर लगभग लेवल हो गया क्या 4 मिनट से। और इस समय डेफिनेटली खतरा हो सकता है, और खतरा हुआ क्योंकि ध्यान हटी, दुर्घटना घटी। और बड़े भैया मैं दोनों ही टीम अपने अपने क्षेत्र में काफी वर्चस्व रखते हैं। सुपर टैकल ऑन टीम निश्चित अपने अपने क्षेत्र में यर्चस हासिल कर चुके हैं। इस समय सुपर टैकल ऑन है, क्या 12 नंबर की जर्सी इस बार पॉइंट ही निकाल पाएगी? अगर पकड़ पाया तो समझो 2 पॉइंट निश्चित, लेकिन 1 पॉइंट निकाल बहुत ही
अच्छी रनिंग इस रेडर्स के द्वारा। हेलो, अतः सबको बता दूं निश्चित ही क्रीड़ा परिसर आप देख रहे हैं इस समय रेड ड्रेस में जो कि बिहारपुर में द्वितीय स्थान हासिल किया था बड़े भैया। निश्चित ही काफी अच्छी परफॉर्मेंस जिन्हें अब तक बरकरार रखा है। जिस प्रकार की खेले हम लोग देखे थे बिहारपुर पर उसी प्रकार की परफॉर्मेंस इस समय वन पॉइंट पड़ता है मिड लाइन शायद क्रॉस नहीं हुआ था। अगर जिंदगी में क्रॉस नहीं करनी है कुछ नहीं बिल्कुल अवश्य बसा कहना चाहूंगा अगर जिंदगी में अन्य चीजों को क्रॉस करोगे तो जीवन के लिए खतरा होता है बट कबड्डी में लाइन को क्रॉस करना है देखने के लिए। इस समय पूरी टीम नरहरपुर का 2.5 मिनट से और 5 नंबर की जर्सी सा बोनस अटेम्प्ट किया गया और 1 पॉइंट और 12 नंबर की जर्सी सा स्टार रेडर हर अनुला की तरफ से क्या पॉइंट निकाल पाएगी। इस समय बोनस ऑन है क्या टच पॉइंट ले पाएगी या बोनस पॉइंट निकाल पाएगी और इस बार खराब मैं कहूंगा 1 नंबर तेजस्वी के द्वारा खिलाड़ी के द्वारा बता दूं इस बार भी दुर्घटना घटी यही माइंड गेम है। कबड्डी में ताकत के साथ साथ दिमाग का भी जरूरत पड़ता है। हाँ दिमाग ज्यादा उपयोग आता है क्योंकि आप अनेक यहाँ पर रूल्स है कबड्डी के अगर दिमाग से काम करेंगे डेफिनेटली यहाँ पर अनेकों पॉइंट मिल सकता है। और इस बार 17 नंबर की जर्सी के साथ एमपी रे 10 नंबर के जर्सी के साथ रेडर इस समय हराडुला के मैदान पर पूरे टीम कोर्ट पर मौजूद है। डेफिनेटली यहाँ पर बोनस आन है लेकिन इस बार क्या 2 पॉइंट गिरेंगे 2 पॉइंट बेहतरीन रेडिंग 10 नंबर की जर्सी के द्वारा। दो खिलाड़ी जो है अपने टीम से बाहर गए थे अंदर लाने में सफल रहे 10 नंबर के रेडर नरहरपुर की तरफ से एक बार फिर से 12 नंबर की जर्सी 40 सेकंड से अभी भी पहला हाफ समाप्त होने में और इस बार डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि यहाँ पर पॉइंट लेकर जाएंगे या एपी रे और इस बार खराब जजमेंट 2 पॉइंट इसीलिए कहा मैं पहले ही बता चुका था कि ये भी एक बड़ा परीक्षा होता है किसके लिए स्टूडेंट और ट्रेडर के लिए। और इस समय 6 की 7 की पूरी कोर्ट मौजूद है बोनस ऑन है अगर पॉइंट नहीं निकाला गया और खराब जजमेंट नरहरपुर की तरफ से 2 पॉइंट लेकर आए 10 नंबर की जर्सी और इसी साथ कोर्ट के टाइम आउट हाफ टाइम पहला हाफ समाप्त होता हुआ निर्धारित 7 मिनटों पर। उससे पहले चाहूंगा कि ब्रिजेश खाना खा करके आए क्योंकि आपकी आवाज में दम नहीं दिख रहा है। 17 नंबर की जर्सी के साथ रेड डालते हुए समय नरहरपुर के मैदान पर हाँ लाइनमैन विशेष ध्यान देंगे अगर लाइन पर टच हुआ तुरंत आप लोगों को उस खिलाड़ी को झिकना है पीछे की ओर। 5 नंबर की जर्सी के साथ स्टार रेडर नरहरपुर की तरफ से भेज रहा है इस समय काफी तगड़े खिलाड़ी क्या इसको डिफेंड कर पाएगी हराडुला टीम के डिफेंडर निश्चित इस समय राइट कॉर्नर पर दबाव लाते हुए रनिंग एंड टच सफल रह गए और एक बार पूरा 10 नंबर की जर्सी सा जो 5 की डिफेंस थी उसको 4 में तब्दील कर दिए टोर रेडर निश्चित इस समय बोनस आन और इस बार पकड़ा गया 1 पॉइंट आउट महत्वपूर्ण पॉइंट के लिए समय पहले बता चुके थे क्या डिफेंड है
हराडूरा की सुपर टेकर और 5 नंबर की जर्सी के साथ गुजरात एक बार फिर से दबाव बनाते हुए रेड मैदान पर रेडा क्या इस बार बोनस आर है बोनस पॉइंट ले पाएगा ये देखने वाली बात होगी। 12 नंबर की जर्सी के साथ किक लगाते हुए निश्चित इस बार एमपी रेड के साथ वापस आएगी। 10 नंबर के जर्सी के साथ रेडर अब तक काफी रेड डाल चुकी है इस बार 4 की डिफेंस में निश्चित इस बार बोनस आर नहीं है बट यहां पर पॉइंट चाहिए तो खतरा हो सकता है लेकिन खतरा लिया 7 नंबर की जर्सी रेडर बाहर। 5 नंबर की जर्सी के साथ इस समय पूरी कोर्ट फुल मैच टनाटन दर्शकों से भरा हुआ मैदान और इस समय रेड डालते हुए 5 नंबर की जर्सी क्या इस बार पॉइंट निकाल पाएगी एमपी रेड और इस बार इसीलिए कहता हूं दिमाग का खेल है 2 पॉइंट और इस समय 12 नंबर की जर्सी के साथ रेडी का दायित्व लेकर आए हैं नरापुर की मैदान पर दो और डाई करो या मरो की स्थिति इस बार फंस गए हरा डोला रेडा 1 पॉइंट यहां पर नरापुर मात्र कितने एक खिलाड़ी 1 हमारे पटवारी साहब का सहयोग प्रदान करेंगे लीजिएगा आज की आंखों तक काल मैच में ले जाते आप सभी को 5 नंबर की जर्सी के साथ 1 पॉइंट की लीड के साथ इस समय लीड करता हुआ नरहरपुर इस समय क्या डिफेंड कर पाएगी हरडुला टीम और इस बार रनिंग हेड टच करने का प्रयास और पूरे 30 सेकंड लेंगे और 12 नंबर के स्टार रेडर अगर इस रेडर का रेड चल गया समझो हराडूला विजय होने से इन्हें नहीं रोक पाएगी इसलिए चाहूंगा कि अगर विजय हराडूला को रोकना है तो इस रेडर को कोर्ट के बाहर रखना होगा नरापुर टीम के डिफेंडर और इस बार एमपी रेड के साथ वापस 5 नंबर के जर्सी साथ भोजराज इस समय हेलो हाँ 5 नंबर के जर्सी के साथ रेड डालता हुआ भोजराज हरडोला के मैदान पर और 1 पॉइंट की लीड है उतनी बड़ी लीड नहीं मानी जाती क्योंकि यहाँ पर सुपर रेड सुपर से कहीं ऊपर भी होता है रेड 12 नंबर की जर्सी एक बार पुनः रेडिंग का दायित्व लेकर आए हैं स्टार रेडर हरडोला की तरफ से निश्चित ही समय दबाव जरूर होगी क्योंकि 5-1 पॉइंट से पिछड़ रही है हरडोला निश्चित इस बार बोनस हाँ डू ऑर डाई करो या मरो की स्थिति हाँ 5 नंबर की जर्सी इस समय रेड डालता हुआ डू ऑर डाई यहाँ पर टच पॉइंट टाइम आउट में रहती सबसे भी करो या मरो लेकिन इस समय 10 नंबर की जर्सी पिछले बार भी डू ऑर डाई पर रेडिंग के लिए आए थे पॉइंट निकाल पाए थे निश्चित ही समय बोनस भी ऑन है अगर टीम को जिताना है तो इस रेडर को चलना होगा पॉइंट लाना होगा भाई डेफिनेटली यहाँ पर कितना पॉइंट होगा ये देखने वाली बात है निश्चित 2 पॉइंट यहाँ पर निकाल चुकी है 2 पॉइंट 2 पॉइंट